पूछेगा? What is the special occasion all about? Today we are releasing the first look, the poster of a Marathi film called Bhai. Also we have our producer's birthday happening today, so this is a good occasion for all of us to come together and also let everybody know that we are starting our promotions and publicity soon, and we have Bhai coming up. Bhai is a Marathi film and there are around 35 to 40 actors. ये बहुत ही अलग टाइप की किस्म की फिल्म है. दिस इज आई वुड से इट्स इट टारगेट्स द फियर इन एवरी पर्सन. हर एक इंसान में कुछ ना कुछ फियर होता है और वो जब बढ़ जाता है तो एक इंसान क्या क्या फेस करता है या फिर वो सिचुएशंस के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा. पैरानॉइड पैरानॉर्मल सिज़ोफ्रेनिया एक बीमारी है जो हमारे हीरो को हुई है, और हम लोग उस बीमारी पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हुए उसके वजह से जो घटनाएं आजू बाजू हो रही है इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे. और इट इज़ अबाउट हाउ यू ही डील्स विद हिज फियर्स एंड हाउ इट कीप्स इंक्रीजिंग. एंड आई वुड नॉट से, मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि ये फिल्म इज कम्प्लीटली लाइक अ हॉरर और एनीथिंग. नो, इट्स एब्सोल्युटली नॉट. ये जो फिल्म है ये एक आई वुड से इसमें ये इट इज थ्रिलर, इसमें सस्पेंस है, इसमें रोमांस है, इसमें कॉमेडी है, इसमें एक्शन है, और सारा एक अच्छा सा ब्लेंड है और बहुत अलग किस्म की फिल्म है. राहुल भाटनकर हमारे जो डायरेक्टर है ये उनका जो टाइप है मूवी बनाने का बहुत अलग है. उन्होंने एक मूवी बनाई है टाइम, ये उनकी सेकेंड फिल्म है. वो खुद बहुत ही अच्छे एडिटर है, इसीलिए जो इनका एडिटिंग का सेंस है या फिर जो जिस तरह से वो स्क्रीन पर ले जाते हैं बहुत बहुत अलग है. तो मराठी के लिए और हिंदी के लिए भी ऑल्सो आई वुड से इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म एंड एवरीबडी वुड लाइक. हमारे जो प्रोड्यूसर है, हमारे जो प्रोडक्शन कंपनी है, ये है 5 Gen इंटरनेशनल. इसके प्रोड्यूसर है सचिन खटार नवले. सचिन सर जो है एक बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर है. इनफैक्ट आई थिंक बहुत अच्छा लगता है जब बाहर के प्रोड्यूसर्स आके मराठी फिल्में करते हैं, लेकिन सचिन सर ने पहले भी बहुत सारी हिंदी फिल्में प्रोड्यूस की है. उनकी पहली फिल्म है और हमने पहली बार मराठी मूवी को दुबई में शूट किया हुआ, यानी गाने के जो पोर्शंस है, गाने जो है जो हमने दुबई में शूट किए हुए हैं. एंड आई थिंक एज अ प्रोड्यूसर कहीं पे भी हमें कुछ भी कमतरता नहीं हुई. एवरीथिंग वॉज वेरी वेल टेकन केयर ऑफ. हमारा राइट फ्रॉम आर फ्लाइट्स टू आर स्टे टू आर शूट्स देयर एवरीथिंग वॉज फर्स्ट क्लास, लाइक 5-star. एंड हमारे प्रोड्यूसर ने बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा है, तो आई थिंक वी आर ब्लेस्ड टू हैव producers like that coming into Marathi, and he being a Marathi himself is absolutely wonderful. हो गया सब, मैंने बोल ही दिया. हमारे डॉन है, डॉन ये हमारे विलन है, और ये दूसरी आपकी फिल्म है? हाँ, मेरी दूसरी मराठी फिल्म. इनकी दूसरी मराठी फिल्म है, एंड ट्रस्ट मी कहीं से नहीं लगते कि ये हिंदी एक्टर है. यहाँ पे इतनी अच्छी मराठी में बात करते हैं. थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड कीप अप, और बहुत सारी मराठी फिल्में करिए. थैंक यू भैया. This camera looks good. Yeah. Want to know what kind of role you are playing in the film and what is the subject of the film as such? जैसा कि सब्जेक्ट अपने टाइटल से ही पता लगता है कि भय फिल्म का नाम है, तो इट्स लाइक पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिक. जो लोगों को एक होता है, एक किसी चीज़ का डर होता है, यू नो, किसी को बाहर ट्रैफिक में निकलने का, क्रॉस करने का डर होता है, किसी को पंखा गिरने का डर होता है कि मेरे ऊपर पंखा नहीं गिर जाए. तो सिज़ोफ्रेनिक थोड़े से कुछ पेशेंट होते हैं उसके ऊपर ये पूरी कहानी है. एंड आई वुड से लाइक यू नो कि सस्पेंस थ्रिलर है, जिसमें मैं एक विलन की भूमिका कर रहा हूँ. इसमें मेन नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ इसमें. तो सामने वाले आदमी को कई बार देख के, कई आप बाहर एक किसी एक्सीडेंट को देख लेते हो और आपको ऐसा लगता है कहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हो जाए. तो कई लोग को ये बीमारी होती है. तो आई एम प्लेइंग वन ऑफ द विलन दिस, लाइक यू नो, अ मेन विलन दिस. सो दिस इज डेब्यूट इन मराठी फिल्म इंडस्ट्री एज सच? हाँ, दिस इज माय सेकंड फिल्म. पहली मेरी फिल्म गुलाबी थी सचिन खेड़ेकर जी के साथ, एंड दिस इज माय सेकंड डेब्यू एज ऑन. लाइक आई एम वेरी हैप्पी कि राहुल सर ने मेरे पर ट्रस्ट किया और उन्होंने मुझे ये किरदार दिया. थैंक यू. हाँ, ये जो प्रोडक्शन हाउस है जो ये पहली बार ही लॉन्च हो रहा है, इनके साथ मुझे मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा. नॉर्मली लेके होता नहीं है ऐसा, कई बार होता है कि डेब्यू जो कर रहा होता है, बट ये प्रोड्यूसर में जो मैंने देखा है कि हर चीज़ को लेकर लाइक एक्साइटमेंट है, एक
कि भाई मुझे इसको इस तरीके से प्रमोट करना है, बहुत अच्छे से इस फिल्म को प्रमोट करना है, तो ये बहुत अच्छी बात है, यू नो, एज अ प्रोड्यूसर लाइक के somebody इज डूइंग सो मच फॉर अ फिल्म. या थैंक यू. There is a launch of a Marathi film. I said, तो आप कितने fond of हैं Marathi films के? See, as an actor, मैं बहुत different different genre की movies देखती हूँ, different languages की movie देखती हूँ, because हर movie से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है. Nowadays, no language is smaller. So I think हर language से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है. So I think the more you watch it, the better it is. बड़े बड़े stars ये comment करते हैं कि हिंदी film से regional film के content ज़्यादा अच्छे होते हैं. Yes. मराठी फिल्म के, तो आप कितनी इस बात से सहमत? मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, क्योंकि आप कोई भी मूवी देखिए रीजनल से, तो उसके कंटेंट्स बहुत अच्छे होते हैं और अल्टीमेटली बाद में वो बॉलीवुड में भी बन जाती है. यू नो, लैंग्वेजेस को उसे केटर कर लेते हैं. एक्चुअली ऐसी कोई मराठी फिल्म में ऐसा कोई मराठी आर्टिस्ट जो आपको बहुत इंस्पायर करता है? एक्चुअली बहुत सारे हैं, एंड वन ऑफ अ वेरी सीनियर एक्टर्स मिस्टर सचिन जी, एंड आई रियली, यू नो, आई हैव बीन सीइंग हिम नॉट ओनली इन मराठी फिल्म्स बट ऑल्सो इन हिंदी फिल्म्स, एंड आई ऑलवेज, यू नो, लुक अप टू हिम. सो आई थिंक आई रियली लुक अप टू. और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले काम करने के, तो किस तरह का रोल एक्सेप्ट करेंगे आप? डेफिनेटली समथिंग इंटरेस्टिंग, एंड जैसे आपने पहले बोला है कि रीजनल फिल्म में बहुत डिफरेंट होती है, जो कंटेंट होता है मूवी का बहुत अच्छा होता है. सो इफ आई गेट अ गुड कंटेंट मूवी, आई विल डेफिनेटली डू इट. एंड राइट नाउ व्हाट्स हैपनिंग इन योर प्रोफेशनल लाइफ? क्या कर रहे हैं? अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, एंड सून यू विल गेट टू नो अबाउट इट. थैंक्स मैम. थैंक यू. कैमरा कैच कर दा. ओके, व्हाट डू यू वांट टू से? सर, आज के बारे में बताइए, आज पोस्टर लॉन्च होने वाला है, तो क्या कहना चाहते हैं इस फिल्म के बारे में? मुझे बेहद खुशी है कि आज भय इस फीचर फिल्म का पोस्टर लॉन्च हो रहा है. ये मेरी राहुल के साथ सेकंड फिल्म है. बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. एक आदमी के फियर्स के बारे में बात करता है, और कैसे ये फियर्स वर्क होते हैं सबके बारे में, सब उसके आजू बाजू के लोगों के बारे में. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, थ्रिलिंग सब्जेक्ट है, डायनामिक है. राहुल भाटनकर ने बहुत स्टाइलिशली शूट किया है. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द पोस्टर लॉन्च टुडे. मेरा रोल इस फिल्म में एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का है. इट्स अ नो नॉनसेंस पुलिस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ऑफिसर. बहुत डायनामिक रोल है, एंड मुझे भी किरदार निभाने में बहुत खुशी हुई है. नहीं, मुझे लग रहा है कि आजकल पब्लिक के मन में डर बहुत है. वो किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहते, अपने आप को महफूज रखने की कोशिश करते हैं, और इस डर के वजह से मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हो रहे से मुझे लग रहा है. क्योंकि किसी भी आम आदमी को, किसी भी नॉर्मल पब्लिक को आज तक किसी ने बहुत सिक्योर फील नहीं करा है. वो कुछ करने के लिए जाता है, उसके साथ कुछ अलग ही हो जाता है. इसलिए ये डर बहुत बहुत सरफेस पे बहुत है कॉमन मैन के माइंड में, तो ये निकलना बहुत जरूरी है. लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल इसके शिकार है. सर, आपने कभी अपनी लाइफ में कभी ऐसा कोई सिचुएशन आया जहाँ पे आप डर गए हो, आपको ऐसा वो चीज़ भूल ना पाए हो आप? काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो जहन में रहती हैं, लेकिन विथ एज यू स्टार्ट ओवरकमिंग देम. इस फिल्म में जो मेन प्रोटोगनिस्ट है, वो जिस चीज़ से डर रहा है, आई एम होपिंग ऐसा डर किसी के मन में ना आए. इसके बारे में तो फिल्म के जो निर्देशक है राहुल भाटनकर, वो आपको ज़्यादा बताएंगे. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साल खत्म होने के पहले पहले सिल्वर स्क्रीन्स पे भय हिट हो जाएगा. आई एम विशिंग सचिन जी अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. और आपने एक ऐसी मराठी फीचर फिल्म बनाने शुरू की है, आई एम वेरी हैप्पी. मराठी फिल्म का मार्केट बहुत ग्रो हो रहा है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट फिल्में आ रही है. तो सचिन जी, आपके इस बर्थडे पे पोस्टर लॉन्च हो रहा है. आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म एज वेल एज फॉर योर फ्यूचर लाइफ. थैंक यू सो मच. हाँ जी, मैं अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगा इसको, और आज बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि जब भी एक नया प्रोडक्शन हाउस लॉन्च होता है तो एक्टर्स के लिए खुशी की बात होती है, और हम एक्टर्स सिर्फ खुश अच्छी विशेज ही दे सकते हैं. बेस्ट ऑफ लक, एंड हमारे तरफ से तो हम फुल सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को. तो क्या एक्सपेक्टेशन है मराठी मूवी से? कितना एक्सपेक्टेशन होता है कि वही सटायर, वही
एक्चुअली आई थिंक क्रिएटिविटी का कोई लैंग्वेज नहीं होता. मराठी ऑफकोर्स हमारा हमारी जो इस मुंबई की भाषा है, तो मैं तो एक बहुत प्यार से देखता हूँ मराठी फिल्में और हॉरर फिल्में भी मैं देखता हूँ. और मुझे लगता है कि आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टेप अहेड, एक नई चीज़ है. आप अगर देखोगे हाल ही में जितनी हॉरर फिल्म्स रिलीज हुई हैं, दे हैव मेड वेरी गुड बिजनेस. एंड मराठी फिल्म्स अगेन यू नो विथ हैविंग द फ्लेवर ऑफ हॉरर, मेरे ख्याल से इट्स अ ग्रेट ग्रेट एंड अ ब्रिलियंट आइडिया. मैं बस अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगा और बस एक्सपेक्ट तो हर एक्टर काम ही करता है, और होपफुली इनके नेक्स्ट प्रोडक्शन में कुछ काम मिल जाएगा. एक्चुअली मैं यही पूछ रही थी, कभी अगर आपको मराठी फिल्म में अगर मौका मिले काम करने का, तो क्या करना चाहेंगे? एक्चुअली हाल ही की बात है, जस्ट लास्ट वीक मुझे एक ऑफर हुई है, मराठी फिल्म ही ऑफर हुई है, तो जिसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, बट डेफिनेटली आई एम ओपन टू ऑल रीजनल सिनेमा एंड आई एम प्राउड. हाँ, यही चीज़ कन्फेस करनी पड़ेगी कि मेरी मराठी इतनी अच्छी नहीं है, ज़्यादातर मैं हिंदी में कम्युनिकेट करता हूँ. पर आई नो ये चीज़ इंसान की फितरत है, अगर आप किसी भी चीज़ में मन लगाकर अपना फोकस करें तो आप अनइमेजिनेबल चीज़ें अचीव कर सकते हैं. और मराठी भाषा जो है इतनी मीठी भाषा है, इतनी एक प्यारी भाषा है. मेरे शो पे भी, मैं जो एक शो करता था फैमिली नंबर वन, सारे सेट्स पे जो मेरी मॉम थी तन्वी आजमी, वो मराठी बात करती है. मेरे डायरेक्टर समीर कुलकर्णी, वो मराठी बात करते थे, तो उनके साथ इंटरेक्ट करते करते मुझे मराठी का थोड़ा बहुत तो एक होल्ड आया है. और आई होप अब इस फिल्म के बाद आई एम श्योर आई विल बी एबल टू स्पीक मच बेटर मराठी. थैंक यू. थैंक यू सर. सबसे पहले आपका नाम? गुड इवनिंग, मेरा नाम राहुल भातनकर है. मैं भाई ये सिनेमा का डायरेक्टर हूँ, एडिटर भी मैं हूँ. लास्ट वीक मेरी फिल्म टाइम बरा वाइट ये रिलीज़ हुई है, और ये मेरी सेकंड फिल्म है. लास्ट 16 इयर्स में एडिटर था, और ये साल में बाय ग्रेस ऑफ गॉड ये सेकंड फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ. दोनों फिल्म के टॉपिक बहुत ही अलग थे. टाइम बरा वाइट मेरा बहुत नॉन लीनियर पैटर्न का कॉमेडी थ्रिलर एक्शन फिल्म था, जो मैं कहूँ मेरा जॉनर है, मेरी एक्सपर्टीज है ऐसे सिनेमा करने में. और आज का जो दिन है, आज मेरा जो फिल्म है भय, भय मीन्स फेयर, डर, आज इसका पोस्टर रिवील है, फर्स्ट लुक. और आज इसका पोस्टर रिवीलिंग है. ये फिल्म इट्स अबाउट पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया. इट्स अबाउट एक आदमी का डर. ये जो पेशेंट होते हैं पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया पर, इनके साथ क्या होता है, मतलब बहुत से लोगों को अलग अलग किस्म के टाइप्स है इसमें. देर आर 9 टाइप्स ऑफ पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, 9 to 10 टाइप्स, मे बी इससे ज़्यादा होंगे. जैसे कि कहते हैं क्या कि हर एक इंसान में एक डर होता है. किसी में डर होता है कि पानी का डर, किसी का हाइट का डर होता है, किसी को ट्रेन से ट्रैवल नहीं करेगा, किसी को कुत्ते से डर होता है. कुछ लोगों में ये बहुत बढ़ जाता है, जो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया होता है उन लोगों में ये डर बहुत बढ़ जाता है. कुछ लोग को साउंड सुनाई देता है, अलग अलग से साउंड सुनाई देते हैं. कुछ लोगों को एक अपना एक अलग सी दुनिया बना लेते हैं, जिसमें उनको मिलिट्री वाला दिखता है, उनको अलग अलग एक अपना प्लॉट बना के दिमाग में वो चलते हैं और वो लोग दिखते हैं उनको. कुछ लोग अपने आप को एक रूम में बंद कर देते हैं, उनको लगता है कि कोई मुझे मार डालेगा बाहर आकर. ऐसे बहुत से टाइप्स है. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके कोई प्यारे सी चीज़ या कोई प्यारे सा लोग मर गए, जैसे कुत्ता हो या कोई बहुत ही क्लोज जैसे दादी हो, तो आप उनके घर पे जाते हो, वो सबसे मिलाता है और एंड में दादी को मिलाता है. जो दादी आपको नहीं दिखती है, उसको दिखती रहती है उसके माइंड में. तो ये लोग पागल नहीं है, या इनको हम कहते हैं ना कि भूत ने पकड़ लिया है, ऐसा नहीं है. ये एक माइंड गेम होता है उनका, जो क्योर होता है. ये सिनेमा मेरा फेयर के ऊपर है, एक ऐसे इंसान के ऊपर है जिसको 30-40% वो एक पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है. इसके 3 सब प्लॉट्स है. 2015 की मैं बोलूँगा मराठी फिल्म, यंग फिल्म है ये. आजकल के जो मराठी डायरेक्टर्स डेयरिंग कर रहे हैं, उनकी वजह से मैं भी डेयरिंग कर चुका हूँ और कर रहा हूँ. और बाय ग्रेस ऑफ गॉड प्रोड्यूसर भी सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे फिल्म्स के लिए, जो कि बहुत ही अलग है और बहुत ही हटके है. और हमने 2 गाने दुबई में शूट किए हैं, जो मराठी फिल्म में कभी होता नहीं है. आज हम लोग फॉरेन में शूट करके आए, और ये बहुत ही अलग जॉनर है. इसमें थ्रिलर है, एक्शन है, सस्पेंस, एंड तक सस्पेंस है कि फेयर मीटिंग फेयर. एक डर होता है इंसान में कि मैं इस आदमी को बारे में सुनते रहते, किसी आदमी के बारे में, एक दिन वो आपके सामने आ गया तो क्या. सर
दुबई में शूट किया है, मराठी में होता नहीं है, बजट की जो बात की, आपके आर्टिस्ट भी काफी होंगे प्रेसी जैसे मराठी मूवी में काम कर रहे हैं, तो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया ये? नहीं सर, क्या होता है कोई भी इंडस्ट्री अगर ग्रो करती है वो भोजपुरी हो मराठी हो, वो इंडस्ट्री के लिए ही अच्छा है, हम टेक्नीशियंस के लिए अच्छा है। और आज मराठी इंडस्ट्री का एक बहुत अच्छा बूम है, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, बहुत से प्रोड्यूसर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, हिंदी आर्टिस्ट आ रहे हैं, हिंदी के प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, डायरेक्टर्स आ रहे हैं। मैं खुद एक दो तीन फिल्म एडिट कर सका हूँ जहाँ पे हिंदी डायरेक्टर्स थे और बहुत अच्छे फिल्म्स। इट्स अबाउट मराठी लैंग्वेज नहीं है, अच्छी फिल्म बनानी है, बजट अभी भी कम है। कुछ ही सिनेमाज है जो बिग बजट मराठी फिल्म्स बना रहे हैं, कुछ है जो एक लो बजट सिनेमा बना रहे, बट कॉन्टेंट मैं कहूँगा कि मराठी सिनेमा बजट से नहीं चलता है, वो कॉन्टेंट। और हाँ, हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि उसको थोड़ा ग्रेंजरस, थोड़ा ग्लैमराइज करें, थोड़ा फॉरेन में शूट करें, बट बजट कंस्ट्रेंट्स है हमारे। बट धीरे धीरे ऑडियंस थिएटर में आ रही है, अच्छे रिव्यूज है, अच्छे कलेक्शंस है, तो होपफुली हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छा ही है कि आज मराठी सिनेमा भी चल रहे हैं और प्रोड्यूसर्स मराठी सिनेमा बना रहे हैं। थैंक यू फॉर टाइम। Good evening, ladies and gentlemen. And I would like all of you to please take a photo op with this. We are. And this is my first film. And I regret some of the things. And the next month, we're going to release this film. And Mr. Rahul is the captain of this film. So. So, we have a ship ko sail. And this is my second film. ये मेरी सेकेंड फिल्म है एंड हैट्स ऑफ टू सचिन सर कि ये जो सब्जेक्ट था 2 years back I went to him. This would have been my first film. वो 6 scripts में से इन्होंने ये script चुनी and it was challenging and he accepted the challenge. और this film is about paranoid schizophrenia. It's about psycho thriller. This film doesn't have horror elements.